हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। देखिए, हम शुरू करने जा रहे हैं नॉन लीनियर स्पेस को। ठीक है, नॉन लीनियर स्पेस को पढ़ना शुरू करेंगे कि उसमें जैसे आपने रियल स्पेस पढ़ा, उसके अंदर कितनी सारी प्रॉपर्टीज थी, कॉन्टिन्यूटी थी, डिफरेंशिएबिलिटी थी एंड सीक्वेंसेस आ रही थी, ये सारी प्रॉपर्टीज थी ना उसकी अपनी। ऐसे ही हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन लीनियर स्पेस। नॉन लीनियर स्पेस भी जैसे रियल लाइन होती है, रियल स्पेस होता है, कॉम्प्लेक्स स्पेस होता है, मीट्रिक स्पेस होता है, वैसे ही होता है। अब आज से हम शुरू कर रहे हैं तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले, शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हो वो चीज है क्या। ओके, तो नॉन लीनियर स्पेस का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज देखो, वेक्टर स्पेस। आपने पढ़ा होगा वेक्टर स्पेस अपने ग्रेजुएशन में। ठीक है, वेक्टर स्पेस नॉन लीनियर स्पेस से डिफाइन किस पे होगी? किसी वेक्टर स्पेस पे। यानी अगर आप नॉम को डिफाइन कर रहे हो तो उसके लिए जो आप डोमेन लोगे वो हमेशा क्या होनी चाहिए? वेक्टर स्पेस होना चाहिए कोई। उसके बाद बात आती है, अगर जिस चीज की डोमेन होगी उसकी कुछ ना कुछ रेंज होगी, यानी कोडोमेन होना पड़ेगा उसके लिए। तो कोडोमेन क्या बनेगी नॉम के? कभी भी देखो, नॉम जो होता है ना वो एक तरह से मॉडुलस ही होता है। ठीक है, आर में आप जैसे मॉडुलस की बात करते हो, वैसे ही आर आर एन में क्या होता है? नोम होती है, ये होती उसी की तरह है। तो कोई भी, अगर आप कोई भी नंबर लो, ठीक है, उस पे आप अगर मॉडुलस अप्लाई करते हो तो आपने अगर ध्यान दिया हो, आंसर एक रियल नंबर आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो नॉन लीनियर स्पेस है ना, ए नॉम, ठीक है, क्या होगी? ऑन ए वेक्टर स्पेस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जिस भी चीज को आप डिफाइन कर रहे हो वो चीज किसके ऊपर डिफाइन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई न्यूमेरिकल करने के लिए दे दूं, रियल लाइन में कोई न्यूमेरिकल करने के लिए दे दूं, तो सबसे पहले आप ये चीज तो देखोगे ना, जो चीज मुझे गिवन है वो डिफाइन है कि नहीं। मैं कहूँ कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x की डिफरेंशियबिलिटी चेक करूँ ऑन आर, तो देखो ऑन आर तो ये डिफाइन है ही नहीं। क्या जीरो पे डिफाइन है? नहीं है ना। तो सबसे पहले देखना होता है किसके ऊपर जो भी आपको काम दिया गया है, जिस चीज के ऊपर दिया गया है वो डिफाइन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो, डोमेन क्या होगी? एक्स, एक वेक्टर स्पेस। ठीक है, नॉर्म ऑन ए वेक्टर स्पेस एक्स, और इसका वो क्या होगा? एक्स टू आर रियल लाइन। ये नॉम की नोटेशन, ये डोमेन, ये कोडोमेन। क्या है इसका मतलब? एक नॉम क्या है? एक तरह से फंक्शन ही है। ठीक, कहाँ से? वेक्टर स्पेस एक्स से। एक्स कोई भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं वहां से, लेकिन कोडोमेन हमेशा रियल लाइन ही रहेगी। इज सेड टू बी नॉन लीनियर स्पेस इफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड्स। इफ फॉलोइंग होल्ड्स, पहले देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी? नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी से आप क्या समझते हो? कि एक्स कोई भी एलिमेंट आपने यहां से उठाया, उसकी नॉर्म हमेशा या तो जीरो होगी या फिर जीरो से बड़ी होगी, या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। दैट मीन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे? नॉन नेगेटिविटी। सेकंड है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है? कि अगर किसी नंबर का नॉर्म, डोमेन से आपने कोई एलिमेंट उठाया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, अगर आपने डोमेन से कोई एलिमेंट उठाया, आपने एक्स उठाया डोमेन से, अगर उसकी नॉर्म जीरो आ रही है। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे ना, मैं आपको समझाती जाऊंगी। अभी मैं बस बता रही हूँ कि प्रॉपर्टी आ कैसे रही है, मतलब क्या क्या इसके पास प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ उतना देखेंगे। जैसे जैसे हम आगे सॉल्व करते चलेंगे, ये वाली चीज हम क्यों कह रहे हैं वो मैं आपको वहां बता दूंगी। ओके, वैसे ये इसलिए कहा जा रहा है, वैसे तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है आपसे? नॉन नेगेटिव है, कहती है ना। और ये नॉर्म ना हमेशा पॉजिटिव होती है। नॉन नेगेटिव इसकी वजह से आया, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेकिन ये नॉर्म हमेशा पॉजिटिव रहती है। किसी भी, अगर आप रियल नंबर पे अगर आप मॉडुलस अप्लाई करते हो ना, तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाता है। ठीक है, ये भी मॉडुलस की तरह ही होता है।
तो ये बन जाएगा पॉजिटिव नंबर। अब मैं कह रही हूं कि एक पॉजिटिव नंबर जीरो है, ऐसा पॉसिबल है कि कोई पॉजिटिव नंबर जीरो हो? दैट मींस इस एलिमेंट को खुद से जीरो होना होगा। ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ एक्स खुद जीरो हो। ये भी सभी एलिमेंट के लिए होल्ड करेगा। अगर ये चीज हो रही है तो इफ एंड ओनली इफ ये होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंफिनिटी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है आपसे? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। कोई भी स्केलर हो, कोई भी स्केलर हो, अगर आपने उस पे ये नॉर्म अप्लाई करा इस एक्स के एलिमेंट के साथ, वो क्या मॉडुलस आएगा इस स्केलर का इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। फॉर एनी स्केलर, फॉर एनी स्केलर अल्फा एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है आपसे? ट्राइंगल इन इक्वालिटी। ट्राइंगल इन इक्वालिटी क्या कहती है? कि कोई भी दो एलिमेंट उठाए उनका सम का नॉर्म लिए, ये इसके इक्वल हुआ। ओके, ये था आपका नॉर्म लीनियर स्पेस। तो अगर ये प्रॉपर्टीज होल्ड होती है तो एक्स को मैं क्या कहूंगी? नॉर्म लीनियर स्पेस। क्या कहूंगी एक्स को? नॉर्म वेक्टर स्पेस। आपका क्या बन जाएगा तब? नॉर्म लीनियर स्पेस बन जाएगा। देखो वेक्टर स्पेस लेके चले थे, उसके बाद ये चार प्रॉपर्टीज चेक करी, अगर ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपका ये जो वेक्टर स्पेस एक्स था वो अब क्या बन जाएगा? नॉर्म लीनियर स्पेस बन जाएगा। ओके, इसके डेफिनेशन में यही था। इसके बाद इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।